फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्वालिफायर। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम क्वालिफायर को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑटो वायर एनोटेशन के साथ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कंप्लीट ऑटो वायर को जो है वो प्रैक्टिकली कोड में उसकी हमने एग्जाम्पल देखी थी। ठीक है, सो आज की ये वीडियो हमारे पास जो है वो ऑटो वायर से ही लिंक है, बट इसमें जो है वो हम क्वालिफायर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, तो लास्ट हमारे पास वीडियो थी ऑटो वायर की और उससे पहले की जो है 3 वीडियोस थी ऑटो वायरिंग बाय नेम, बाय टाइप एंड बाय कंस्ट्रक्टर। सो आप वो वॉच कर लें, देन आपको जो है वो इजीली ऑटो वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो उसमें हमने कोड एग्जाम्पल करके देखी थी, तो आप वो जो है वो वीडियोज़ मस्ट वॉच कर लें। ठीक है, सो अभी जो है मेरे पास जो लास्ट हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी में हम जो है वो चेंजिंग करके जो है वो इसी एग्जाम्पल देखेंगे। सो मैं बता देता हूँ, यहाँ से मैंने फाइल में जाके न्यू में जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। यहाँ से मैंने मेमोरी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था और उसको मैंने नेम दे दिया था ऑटो वायरिंग। ठीक है, एंड आफ्टर डैट यहाँ पे मेरे पास SRC मेन जावा थी, देन इस पर मैंने लेफ़्ट क्लिक करके न्यू में जाके एक पैकेज क्रिएट किया था और उसको मैंने नेम दे दिया था ऑटो। ठीक है, एंड विद इन दिस पैकेज मैंने 3 न्यू क्लासेस क्रिएट की थी, जिसको मैंने नेम दिया था एड्रेस ऐप ऑटो वायरिंग टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ऐप जो हमारे पास क्लास थी वो थी मेन क्लास, और इसके अलावा यहाँ पे SRC मेन जावा में जाके न्यू में जाके मैंने अदर्स में जाके यहाँ से XML फाइल क्रिएट की थी और उसको मैंने नेम दिया था न्यू फाइल डॉट XML। ठीक है, सो इसके अलावा हमारे पास जो पॉम डॉट XML थी, जिसके अंदर हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, उसके अंदर मैंने 3 डिपेंडेंसीज ऐड की थी, जिसमें हमारे पास स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग कोर एड, स्प्रिंग एनोटेशन थी, क्योंकि हमने एनोटेशन को यूज़ करना था ऑटो वायर एनोटेशन को और क्वालिफायर, तो इसलिए मैंने ये डिपेंडेंसीज ऐड की। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट पे हम डिपेंडेंसीज टैग बनाते हैं, देन उसके अंदर हम जो है वो डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, देन उसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेनी है और लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसे क्लोज करते हैं, देन हम जो है वो फर्स्ट पे एड्रेस की क्लास में आ जाते हैं। सो एड्रेस की क्लास में मैंने सिंपल 3 एट्रीब्यूट्स बनाए थे, हाउस नंबर, एरिया, स्ट्रीट। देन इसके बाद मैंने जनरेट कर लिए थे इनके गेटर सेटर, लेफ़्ट क्लिक करके सोर्स में जाके यहाँ से मैंने जनरेट गेटर सेटर कर लिए थे। ठीक है, तो गेटर सेटर मेरे पास आ गए थे और इसके अलावा यहाँ पे मैंने पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो वैल्यूज प्रिंट करवा दी थी, एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे रिटर्न करवा दिए थे उनकी वैल्यूज़। ठीक है, सो ये सिंपल जो हमने वो जो है एड्रेस क्लास में किया था। ठीक है, सो ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने सिंपल वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। देन इसे मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास थी ऑटो वायरिंग टेस्ट की क्लास, जिसमें हमने इंस्टेंस बनाया था प्राइवेट एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसको हमने लिख दिया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसमें भी हमने लिख दिया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और गेटर सेटर बना लिए थे। ठीक है, सो ये हमने सब लेफ़्ट क्लिक करके सोर्स में जाके गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर यहाँ से बना लिए थे, और इसके अलावा पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग जैसे कि हमने एड्रेस की क्लास में किया था, ये यहाँ पे हमने इंस्टेंस को भी रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो सिंपल हमने ये किया था, ये सारा कोड मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, सो नाउ इसके अलावा हमने जो है वो XML फाइल में ये लिंक्स ऐड किए थे, जो कि हमें जब अभी हम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं XML में, ठीक है, या स्प्रिंग कोर में, तो हमें जो है वो चाहिए होते हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेने इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था एक, और यहाँ पे पैकेज को हमने वो ऐड करवा दिया था, ऑटो के नेम से हमारा पैकेज था, सिंपल इसको मैंने ऐड करवा दिया था, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक बीन था। ठीक है, सो ये लास्ट जो हमने वीडियो में बनाया था वही बना हुआ अभी, तो सिंपल मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक और बीन क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं एड्रेस 1। ठीक है,
सो फर्स्ट पे एड्रेस, ये एड्रेस तो हमारे पास ये था जो हमने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया था। देन ये एड्रेस हम वन जो खुद से हम अभी बना रहे हैं, ठीक है, एक और बीन, और इसमें वैल्यूज़ भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बर्लिन 200, ठीक है। सो नाउ स्ट्रीट भी चेंज कर लेते हैं 11, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे बीन है, इसमें हमने क्या किया था, सिंपल एक क्लास बनाई थी ऑटो डॉट ऑटो वेरिंग टेस्ट, जो जिसमें हमने इंस्टेंस बनाया हुआ था उसको नेम दे दिया था बी नेम, ठीक है। और ये बी नेम हमने ऐप वाली क्लास में जाके मेन बनाया, देन पहले उसके बाद एप्लीकेशन को टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पाथ दे दिया एक्सएमएल फाइल का जो कि हमारे पास थी न्यू फाइल डॉट एक्सएमएल। और इसके बाद यहाँ पे ऑटो वायरिंग टेस्ट की जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें जब हमने गेट बीन कर लिया, कौन सा बीन गेट किया, बी नेम, ठीक है। सो ये बीन हमने गेट कर लिया और इसमें सिंपल जो है वो प्रिंट करवा दिया। सो अभी हमने क्या करना है, सिंपल ऑटो वायरिंग की क्लास में जाएंगे और यहाँ पे हम हमारी जो वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो बीन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे ये वाले बीन की वैल्यूज़ प्रिंट करवानी तो मैं कैसे करवाऊँगा, और ये वाले बीन की अगर करवाना चाहता हूँ तो वो कैसे करवाऊँगा, ठीक है। सो सिंपल ऐप में जाएंगे अगेन, और सॉरी ऑटो वायरिंग टेस्ट में, और यहाँ पे लिखेंगे ऑटो वाइड सिंपल, देन यहाँ पे लिखेंगे क्वालीफायर, यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। इसको इंपोर्ट करवा लेंगे सिंपल, ठीक है। सो नाउ इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एड्रेस ये वाली सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। सो नाउ इसको रन करके देखते हैं, अभी ऐप में जाके इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वही वैल्यूज प्रिंट हुई जो कि हमारे में जो है वो बीन वन में थी, एड्रेस 15 स्ट्रीट 15 एरिया इस्लामाबाद हाउस नंबर 448। अभी हमने जो है ये वाले बीन्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो कैसे करवाएंगे, सिंपल जो है वो ऑटोमेटिक टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे एड्रेस वन जो कि ये नेम था, ठीक है। सिंपल ऐप में जाएंगे, रन करते हैं इसको। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बीन जो हमारे पास सेकंड था उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक। हमने देखा जब हमारे पास 2 से 3 बीन्स हो तो हम अपनी जो स्पेसिफिक कोई भी बीन की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें तो हम वो कैसे करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम 5-6 बीन्स को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।